प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों देखिए, सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो अधिक से अधिक यही संभावना हो रही है कि 5 जुलाई को ही हो। लेकिन दोस्तों देखिए क्या है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो सेंट्रल लेवल पर होता है, और जो स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र है या उसके जो जो पास के जो राज्य हैं वहाँ पर कोरोना को लेकर के स्थिति जो है ज़्यादा गंभीर है। अब ऐसे में पूरे देश में सी टेट का जो एग्ज़ाम है उसको कराना एक ही समय में तो शायद वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म बताई जा रही है वो 5 जुलाई ही, और अब तक इस तारीख में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। ठीक है, एक समाचार पत्र की कॉपी है जिसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, देखिएगा। देखिए ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि सभी केंद्रों को जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है, और CTET में मास्क लगाकर आने पर ही दिया जाएगा केंद्र में प्रवेश। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर कही गई है कि 5 जुलाई को ही होगी परीक्षा। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से होने वाले CTET में मास्क लगाकर आने वाले परीक्षार्थियों को ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, और केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, इसको लेकर बोर्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और जून के अंतिम सप्ताह तक सभी परिसर को सैनिटाइज करने का निर्देश दे दिया है। बोर्ड ने उन स्कूलों को भी हर कमरे की अच्छी तरह साफ सफाई करवाने को कहा है जहां भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। CTET का आयोजन 5 जुलाई को होगा। ठीक है, देखिए 5 जुलाई को होगा। प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना होगा। ठीक है, अब एक कक्षा में 12 से 20 अभ्यर्थी ही बैठ पाएंगे, और हर अभ्यर्थी के बीच में 4 से 5 फीट की दूरी होगी। अभी आप जानते हैं कि CTET की जो परीक्षा होती है 2 पालियों में होती है, 1 से 5 तक और 1 6 से 8 तक। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, अगर आपने CTET क्वालिफाई कर रखा है तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, CBSE स्कूल सहित राज्य सरकार के अन्य स्कूल में भी शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है आपको, यदि आप CTET क्वालिफाई किए हुए हैं तो। और एक और बात, यहाँ पर 2 घंटे पहले आपको पहुँचना होगा जिससे कि जो है सेंटर पर भीड़ ना हो, और प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थियों को इंतजार करवाया जाएगा, और अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर जाएंगे जिससे कि तलाशी लेने में जो है या फिर जो है चेकिंग करने में कोई उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, हालांकि तलाशी वैसे तो शायद मुश्किल ही हो, लेकिन हाँ फिर भी सतर्कता उनकी भी और अपनी भी सबकी ज़रूरी है। देखिए कहा गया है कि 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।